नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो कैरेक्टर बना रहे थे ना, उसी के ऊपर रिग सेटअप अर्थात ज्वाइंट्स को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं माया को। तो मैंने माया के ऊपर क्लिक किया, ये ओपन हो गया है। अब मैं जाऊंगा डायरेक्टली फाइल में, यहाँ ओपन स्कैन पे जाऊंगा और यहां से ये लेडीज के नाम से हमने सेव कर रखा है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने जैसे इसको ओपन किया ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये ओपन हो चुका है। दोस्तों, ये मैंने पूरा का पूरा माया से ही बनाया है। ओके, और ये हेड तो आपको मैंने काफी सिखाया ही था हेड बनाना। और ये जो मैंने पहले बाल बनाया था, मैंने उस बाल को यहां पर यूज नहीं लिया। वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें पॉलीगॉन्स काउंट्स बहुत हो गया था, इसीलिए मैंने खुद यहां पर एक बाल बना लिया। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली कंबाइन कर दूंगा। तो यहां से मैं मेश टूल के ऊपर क्लिक करूंगा, मॉडलिंग में जाने के बाद यहां पर आ जाएंगे मेश, और यहां से मैं कर दूंगा इसे कंबाइन। दोस्तों, कंबाइन हमने इसलिए कर दिया ताकि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाद में हम सेपरेट करके उसे अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर है ना, हम रिग सेटअप बनाएंगे अर्थात ज्वाइंट्स, एक तरह से अपना देसी भाषा में हड्डी बोल सकते हैं, वो हम बनाएंगे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम और है कि देखिए अभी ग्रिड की साइज कितनी छोटी है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको स्केल डाउन कर लेंगे। ठीक है, अर्थात ग्रिड के अनुकूल जो है इसको कर लेंगे। स्पेस बार दबा के हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। तो ये मैं फ्रंट व्यू में आ गया। अभी आप देखिए जो ग्रिड है उसकी साइज कितनी छोटी छोटी है। ठीक है, अर्थात हम इसको ही छोटा कर लेते हैं। तो मैंने इसको छोटा किया, ये रहा, और एक बार एफ दबा दिया। तो अब देखिए, अब ये ग्रिड की साइज जो है थोड़ी बड़ी होगी। एक्चुअली ग्रिड की साइज हमने इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि हमने इसको ही छोटा कर दिया। ठीक है, चलिए इतना सही है। ओके, अब यहां से हम फ्रंट व्यू से ही स्केलेटन बनाना चालू करेंगे अर्थात ज्वाइंट क्रिएट करना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और एक्सरे ज्वाइंट वाला जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। तो अब होगा क्या, हमारा जो एक्सरे हम करेंगे अर्थात जो भी ज्वाइंट बनाएंगे वो हमको एक्सरे मोड में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां सबसे पहले ज्वाइंट हम यहां से क्रिएट करेंगे। तो यहां से मैं जाऊंगा रिगिंग में, मैं रिगिंग में आ गया और यहां से स्केलेटन है, सबसे ऊपर ही ऑप्शन है ज्वाइंट क्रिएट ज्वाइंट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया यहां ज्वाइंट्स के लिए आ चुका है और मैं यहां से ज्वाइंट्स क्रिएट करना चालू करता हूं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो यहीं से उसका सारा का सारा कंट्रोल होता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। और हाँ, ये क्लिक करने से पहले एक चीज और आपको दिमाग में रखना है, ये जो बीच में है ना, इसका एक लाइन तो ग्रिड का बीच में होना ही चाहिए, क्योंकि मैं स्नैप टू ग्रिड का यूज लूंगा, जिससे क्या होगा ये बहुत ही बढ़िया इसकी रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं ताकि हमारा ग्रिड की जनसंख्या बढ़ जाए, क्योंकि मैंने ज्यादा ही छोटा कर दिया। तो मैं इसको इतना कर लिया, अब ये ज्यादा ग्रिड के ऊपर आ चुका है। ठीक है, ओके, तो ये चीज क्लियर है। अब हम इसके जो है डायरेक्टली ज्वाइंट बनाना चालू करेंगे। तो स्पेस बार दबाऊं, इस व्यू में आ जाता हूं, यहां से देखिए, अब ये देखिए ग्रिड कहां है और ये कहां पर आ गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ग्रिड के ऊपर ला सकते हैं। तो यहां से मैं W का बटन दबा लेता हूं और इसको डायरेक्टली नीचे लेकर जाता हूं ग्रिड के ऊपर। F का बटन दबाऊंगा, देखिए ग्रिड के ऊपर आ चुका है। ओके, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्पेस बार दबा देता हूं और यहां से फिर से फ्रंट व्यू में आ जाता हूं। फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं देता, F का बटन जैसे ही दबाइएगा तो ये दिखाई देने लगेगा। अब यहां से हम ज्वाइंट टूल चालू करते हैं। Y का बटन जैसे ही दबाऊंगा ज्वाइंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। Y का बटन दबाया और ये ज्वाइंट टूल आ चुका है, यहां पर देख सकते हैं ज्वाइंट आ गया है। अब मैं यहां से क्रिएट करूंगा, देखिए यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, यहां तक कुल मिलाकर के जो है 6 ज्वाइंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ज्वाइंट के डायलॉग बॉक्स को ऑन कर लेता हूं और यहां से मैं इसका रेडियस 0.2 रखा हूं, जिससे छोटा रहे। चलिए, मैं इतना बराबर है, सब कुछ सही है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक, कट कर दिया और यहां ज्वाइंट क्रिएट करूंगा। उससे पहले मैं स्नैप वाला जो ऑप्शन है ग्रिड टू स्नैप, मैं इसको ऑन कर देता हूं। ठीक है, अब यहां जब जैसे हम क्रिएट करेंगे तो बीच में नहीं होगा, ये जो है ग्रिड के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए यहां पर आ चुका है और ये काफी छोटा है। तो कंट्रोल के साथ मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये ज्वाइंट की साइज में थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, 0.27 कर लिया, तो ये अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, अब यहां से मैं इसको क्रिएट करना शुरू करता हूं। तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, देख लीजिए यहां पर एक चीज और है, अगर थोड़ा सा आप ग्रिड को एडजस्ट कर लेना, हल्का सा नीचे कर ले तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा कैरेक्टर को ग्रिड के अनुकूल सेट करने के लिए। ठीक है, देखिए ये भी स्नैप होगा क्योंकि हमारा ग्रिडिंग ऑप्शन जो चालू है इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैं थोड़ी समय के लिए ग्रिड ऑप्शन बंद कर दिया और इसको मैन्युअली एडजस्ट कर लेता हूं। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर लेकर आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, एक्यूरेट है, सही। ठीक है, थोड़ी सी एक ग्रिड हमारा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, यहां से ले लिया मैंने ग्रिड, इसलिए लिया ताकि ये स्नैप यहां पर हो सके।
ओके, अब इसको कट करते हैं, फिर से वाई का बटन दबा के अपना टूल एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अब स्नैप टू ग्रिड को चालू कर देते हैं और यहां से हम ग्रिड के अनुकूल इसको एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने जैसे एक क्लिक किया यहां पर बन चुका है, इसकी साइज चाहे तो आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जितना छोटा रहेगा उतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो जो है ना रिग बहुत ही हल्की बनेगी और हल्की बनेगी तो काम करने में भी मजा आएगा, ठीक है। हल्का सा मैं इसकी साइज बढ़ाऊंगा, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, जो 0 पॉइंट था इसको मैं 3635 कर दिया। अब मैं क्लिक करूँ, यहाँ से हमारा ज्वाइंट की साइज बढ़ गई, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, एक रिग बनाया, ठीक है। दूसरा मैं यहीं पर क्लिक कर लेता हूँ, ग्रिड टू ग्रिड अपने आप बनेगा। तीसरा, चौथा, ठीक है, ओके, और ये रहा पांचवा और ये रहा छठा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हमको ज्यादा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप चाहे तो इसको ही थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ज्यादा बना लेता हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, यहां से एक जो है मैंने ज्यादा बना लिया, ठीक है। ये देखिए आप इसमें कुछ लोग 8 भी बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मैं समझता हूँ 6 वाला जो वर्क है वो बेस्ट रहता है, 6 बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने 7 बना लिया, 1 2 3 4 5 6 ही है, 7 नहीं है, 6 ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही है, ओके, 6 तो हमको बनाना ही था। अब हमारा जो काम है वो है इसको हाथ के लिए बनाना, तो ठीक फ्रंट व्यू में तो है ही, लेकिन उससे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर दिया और एक बार हम इसको स्केलेटन चेक करेंगे कि सारा जो है एक डायरेक्शन होना चाहिए, सब में देख लीजिए वो रेड वाला जो है ऊपर की तरफ है और हमको ऊपर ही चाहिए, ठीक है। स्पेस बार दबाऊंगा और यहां से मैं आ जाऊंगा इस व्यू में, और इस व्यू में आने के बाद आप देखिएगा इस ग्रिड को, अर्थात इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां से आप साइड व्यू में जा सकते हैं, साइड व्यू में गया, एफ का बटन दबाएंगे, वो फोकस में आ जाएगा। ये देखिए आपको ज्वाइंट वहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको भी एक्सरे मोड कर देता हूं, तो ये हमारा ज्वाइंट दिखने लगा। अब इस बॉडी के अनुकूल इस ज्वाइंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यदि आप डी का बटन दबाते हैं तो एक एक ज्वाइंट को आप एक्टिवेट कर पाएंगे, लेकिन अब ये जो है ग्रिड वाला ऑप्शन आप हटा लीजिए और यहां से मैनुअली जो है इसको कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, तो सॉरी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। इसको आप चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये होगा क्या बार बार सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैं इसके ऊपर आया, एड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और इसको कर दूंगा आर, ठीक है, ये होगा क्या लॉक हो गया। अब हमारा जो है सॉरी हमारा ज्वाइंट भी सेलेक्ट था इसलिए ज्वाइंट नहीं, ओके, ठीक है, तो ये ज्वाइंट रहा। अब इसको भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहां से मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा, पहले डी का बटन दबाने के बाद ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर लाया, इस ज्वाइंट को सेलेक्ट किया, फिर से डी का बटन, थोड़ा सा इसको भी मैं अंदर लाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना मैं आपको बोला था कोई भी अगर कर्व लाइन जाती है तो अपना भी जितना भी काम है वो सारे के सारे कर्व में ही होना चाहिए लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर लिया, उसके बाद ये देख लीजिए ये तो थोड़ा सही है, मैं इसको यहां पर रख लिया, ओके, उसके बाद इसके ऊपर आया, डी का बटन दबा के रखा, दबा के छोड़ दिया हूं मैं, तब जाके ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको यहां पर लाया और उसके बाद मैं इसको भी यहां पर लेकर आ जाता हूं, इसको भी मैं लाऊंगा यहां पर क्लिक, और इसको देखिए अभी हुआ क्या, सारा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, एक के ऊपर क्लिक करना है और डी का बटन दबा देना है, जिससे ये टूल एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपको इसको यहां पर लाना है, स्पेस बार दबा दीजिए, फिर इसके ऊपर भी आ जाइए, और तो लास्ट बड़ा है तो ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया, स्पेस बार दबाऊंगा और यहां से इस व्यू में आऊंगा, डी का बटन दबा के इसको हटा दूंगा। अब देखिए यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको एक्सरे मोड करूंगा तो आप ज्वाइंट देख पाओगे कि आपका ज्वाइंट कैसा बना है। देखिए इस प्रकार से गया है वैसे भी, और ये यहां से जो है रोटेट होकर के यहां तक आ चुका है, ठीक है। ये यहां तक आपका ज्वाइंट क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम हाथ वाला बनाते हैं, तो हाथ वाले के लिए देख लीजिए यहां से हमको बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज एनी टाइम हमको दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं ना उनकी साइज और उनका रोटेशन पॉइंट सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूं, यहां से फिर से वाई का बटन दबाते ही हमारा जो है अपना ज्वाइंट टूल आ जाएगा, डबल क्लिक कर लीजिए तो ज्वाइंट टूल एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसकी साइज आप चाहे तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि हाथ बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने इतना छोटा कर दिया, इसको कट कर देता हूं। और यहां से अब आपको मैनुअली सोचना है कि आप जो ये कैरेक्टर बना रहे हैं ना इसमें आपको कहां कहां से मोड़ना है। एक मोड़ तो यहां से मोड़ेगा, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से, अर्थात इसमें बहुत ही कम रिग बनाने की आवश्यकता है। तो मैं इसके ऊपर एक क्लिक कर देता हूं और दूसरा क्लिक फ्रंट व्यू में हम है, दूसरा क्लिक यहां से हमको मोड़ना है तो मैंने यहां पर क्लिक किया, ठीक है, और तीसरा क्लिक लास्ट मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। यहां पर देखिए हमने कर दिया और ये हमको इतना ही चाहिए था और ये बनकर तैयार है। फिर से इसको एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहां से मैं आ जाता हूं ये अपना साइड व्यू में, साइड व्यू में तो हमको दिखाई नहीं देगा लेकिन ये काम हम फ्रंट व्यू से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, टॉप व्यू, ठीक है। तो मैं यहां पर आया और टॉप व्यू में इसको एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो यहां से आप चाहे तो इसको भी एक्सरे कर दे तो आपको पूरा दिखाई देगा हाथ कहां कहां पर जा रहा है, और किसी भी टूल के ऊपर क्लिक कर लीजिए
और यहां देखिए आपको डायरेक्ट भी इधर करके पहले तो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट्स पर क्लिक कीजिए, डी का बटन दबाइए, एक ज्वाइंट एक्टिवेट हो जाएगा, इसको जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और ये तो लास्ट वाला है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेस बार दबा लीजिए, इस व्यू में आकर देख लीजिए, यहां से इसको बंद कर सकते हैं आप, तो दिखाई देगा नहीं, इसको चालू रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चालू रखा, अब देखिए एकदम हाथ के अंदर जो है ये सेटअप भी चला गया, और यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाला यहां पर भी बना लेते हैं, ओके। तो यहां पर बनाने के लिए फिर से स्पेस बार दबाया, इसी व्यू में आया, और इस व्यू में आने के बाद मैं यहां से इसका भी जो पांव का है वो भी बना लेता हूं, ठीक है। वाई का बटन दबाया, हमारा टूल रीएक्टिवेट हो गया, अर्थात फिर से एक्टिवेट हो गया, और मैं यहां से क्लिक करूंगा, यहां पर एक बार हमको यहां पर क्लिक करना है, क्योंकि यहां से मुड़ेगा, दूसरी बार ये यहां से मुड़ेगा, ठीक है। इसकी साइज आप छोटा कर सकते हैं, अभी साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि पहले ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूं, उसके बाद हम करेंगे डायरेक्टली लास्ट में, यहां पर क्लिक किया, ओके। और यहां पर क्लिक करने के बाद मैं एक बार साइड व्यू में जाऊंगा, तो साइड व्यू में हम आगे हैं, और साइड व्यू में आने के बाद देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर क्लिक कर दिया और इसको यहां पर इंटर कर दिया, ठीक है। यहां से हमारा मूव टूल एक्टिवेट हो गया है, और साइड व्यू से ही इसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैं डी का बटन दबाया, पहला एक्टिवेट हो गया, और इसको मैं यहां पर लाया, ओके। इसके ऊपर क्लिक किया, डी का बटन पहले दबा रखा है, यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं क्लिक करूं, डी का बटन दबाऊं, और इसको भी यहां पर लेकर आ गया, ओके। उसके बाद ये वाला रहा, इसको मैं डी का बटन दबा करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं, इसको भी डी का बटन दबा करके हल्का सा नीचे और लेकर आ जाता हूं। तो ये मैंने यहां पर जो है पैर के भी रिग बना लिया, ठीक है। एक बार मैं स्पेस बार दबाऊंगा और इस व्यू में आके देखूंगा कि हमने जो बनाया है वो एकदम बीचों बीच में है या नहीं है, तो आप देख लीजिए एकदम जो है बीच में ही है, और यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। तो यहां तक हो गया, उसके बाद हम करेंगे क्या, डायरेक्टली इसको ज्वाइंट करेंगे पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूं, यहां से स्पेस बार दबाता हूं, फ्रंट व्यू में आ जाता हूं, तो मैं फ्रंट व्यू में आ चुका हूं, ओके। और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइंट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाले को ज्वाइंट कर लेता हूं हाथ को, तो मैंने ये वाला हाथ है, मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमको कहां ज्वाइंट करना है, तो यहां से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा सीधा कर लेता तो अच्छा था। तो मैं पहले इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डी का बटन दबाऊंगा, हल्का सा मैं इसको ऊपर कर लूंगा, ठीक है, ताकि मैं इसको एकदम सीधा कर सकूं, और ये तो हमारा बराबर ही है, ठीक है। मैं पहले इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के इसको करूंगा, ठीक है, और इसको करने के बाद डायरेक्टली मैं कर दूंगा ज्वाइन, ओके। तो यहां जैसे मैं पी का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया, अब देख लीजिए ये जो है ज्वाइन हो चुका है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया, अब इसको हम मिरर ज्वाइंट कर लेंगे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहां से जाएंगे हम स्केलेटन में, तो आपको मिल जाएंगे मिरर ज्वाइंट का ऑप्शन, इसको डायलॉग बॉक्स को ऑन कर लीजिए, बाकी वाई जेड सेटिंग बराबर है, डायरेक्टली मिरर कर दीजिए। जैसे ही मिरर कर दीजिएगा दूसरा हाथ में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएंगे, तो ये ऊपर का हो गया, नीचे का भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन दबा करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। और इसको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं इसको भी पी कर दूंगा, जैसे मैं पी करूंगा ये ज्वाइंट हो गया। इसको मिरर ज्वाइंट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वही काम स्केलेटन में जाऊंगा और मिरर ज्वाइंट को डायलॉग ऑन कर दूंगा, तो डायरेक्टली जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा दूसरा पैर में, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। तो यहां से मैं साइड व्यू में आ जाता हूं, या फिर टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में भी हो सकता है, साइड व्यू में आके देख लेते हैं होगा कि नहीं। तो साइड व्यू हमको दिखाई नहीं देगा, दोनों पैर एक जगह ही है, तो मैं यहां से इसी व्यू से थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूं, बीच में लेकर आ जाता हूं, बीच पैर में, ठीक है। दो ही पॉइंट तो है, दो को एडजस्ट करने में कोई मेहनत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर कर लिया, फिर से डी का बटन दबा दिया, और इसको भी थोड़ा करेंगे, मैं इसको यहां पर लाया, ओके, इसके ऊपर, और इसको भी कंट्रोल जेड, डी का बटन दबाना ना भूले, डी का बटन दबाया और इसको यहां पर लेकर आ गया। इस दौरान हम देखेंगे कि ऊपर का भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एकदम सही है। एक बार हम इस व्यू में आके देखेंगे कि हमने जो अभी तक क्रिएट किया है वो क्या किया है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने हड्डी जो है यहां पर बना लिया है, अर्थात ज्वाइंट बना लिया है, ठीक है दोस्तों। मैं देसी भाषा का प्रयोग कभी कभी कर देता हूं, इसके लिए सॉरी, ओके। तो यहां तक ये चीज हो गया है। तो दोस्तों यही था हमारा ज्वाइंट का ट्यूटोरियल, अगली वीडियो में इससे हम आगे बढ़ेंगे, अर्थात कंबाइन वगैरह वगैरह करेंगे, ठीक है। कंबाइन कहने का मतलब यह है कि बाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो में इतना ही।